गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अ चैप्टर नंबर 7, दैट इज वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वेदर क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो वेदर को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, और कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो वेदर होता है वो एक पर्टिकुलर डे के बारे में बताता है कि उस पर्टिकुलर डे को एक पर्टिकुलर जगह का मौसम कैसा है. फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करें और आज हम देखें कि हमारे आसपास गर्मी है या आज मौसम अच्छा है, थोड़ा ठंडा मौसम है या बारिश हो रही है, तो एक पर्टिकुलर डे की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वेदर की. लेकिन अगर हम रोज़ वेदर को रिकॉर्ड करते रहें और कुछ 20 to 25 ईयर्स तक हमने रिकॉर्ड किया, तो क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस का जो मतलब मौसम का जो इफ़ेक्ट होता है वो रिकॉर्डेड हो जाता है. तो अगर हम बहुत लंबे समय की मौसम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्लाइमेट की. अगर बहुत कम टाइम के लिए हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो हो जाता है वेदर. अब बेसिकली क्लाइमेट में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि मुंबई में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ पे बड़ा माइल्ड टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो क्या है कि वहाँ का फिक्स्ड है कि मुंबई में नहीं पड़ती ज़्यादा ठंड. लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, हरियाणा पंजाब या जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पे क्या है बहुत ठंड पड़ती है. तो यहाँ का भी क्या है क्लाइमेट जो है, मतलब 20 to 25 ईयर्स तक हमने वेदर को रिकॉर्ड किया, वो वेदर रिकॉर्ड होता होता एक पर्टिकुलर जो जगह है, स्टेट है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है फिक्स्ड हो जाता है कि हाँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में या इस पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ठंड पड़ती है, इस पर्टिकुलर स्टेट में ठंड नहीं पड़ती है. जैसे गोवा है, वहाँ पर भी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ का टेम्परेचर भी क्या है माइल्ड रहता है, अच्छा मौसम रहता है, इसीलिए लोग क्या है पे घूमने जाते हैं. अब राजस्थान है, राजस्थान में बहुत गर्मी होती है. क्यों? क्योंकि जब बहुत बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया तो देखा गया कि ज़्यादा समय तक वहाँ पर क्या है गर्मी ही रहती है. तो इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान का जो क्लाइमेट होता है वो मोस्टली क्या रहता है, हॉट रहता है, वो हॉट रीजन्स में आता है. लेकिन जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, जो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, ये मोस्टली क्या है ठंडे एरियाज़ में आते हैं. यहाँ पे जब बहुत लंबे समय तक वेदर को रिकॉर्ड किया गया तो वो क्या बन जाता है क्लाइमेट. तो वहाँ का क्लाइमेट क्या रहता है, हिमालयस का मोस्टली सर्द रहता है, मतलब कोल्ड रहता है वहाँ पर ज़्यादा. तो अगर हम कम समय के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, वहाँ का मौसम चेक कर रहे हैं, तो वो क्या है वेदर. अगर हम लंबे समय तक चेक कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है क्लाइमेट. ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं. इसमें फर्स्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. या आप अपने एसएस में पढ़ते हो, ऑलरेडी आपने ग्लोब स्टडी किया होगा, तो इक्वेटर रीजन के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो डिस्टेंस जो होता है इक्वेटर से, उसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड. अगर लोअर लेटीट्यूड होगा तो वहाँ पे क्या है हायर टेम्परेचर होगा. जैसे राजस्थान है, वहाँ का जो लेटीट्यूड है वो कम होता है, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर क्या है हाई होता है. जहाँ का हाई लेटीट्यूड होगा वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है लो हो जाता है. जैसे हिमालय रीजन है, वहाँ पर क्या है हायर लेटीट्यूड होता है, इसीलिए वहाँ का क्या है लोअर टेम्परेचर हो जाता है. नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का क्या मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, पहाड़ी रीजन्स होता है, वहाँ पे क्या होती है मोस्टली विंड वेव्स जो है वो काफ़ी कोल्ड चलती हैं, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, इसलिए वहाँ का रीज़न क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है. जो थोड़े प्लेन एरिया में रहते हैं वहाँ पर माउंटेन्स नहीं है, इतनी हिल स्टेशंस नहीं है, तो वहाँ पे क्या है गर्म हवाएं चलती हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाता है गर्म हो जाता है. तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट, कितनी हाइट पे है कोई चीज़. तो हिमालय रीजन्स तो हाइट पे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है ठंडा रहता है, कूल रहता है वहाँ का टेम्परेचर. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब क्या है, मोस्टली जो सी के आसपास के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मोस्टली माइल्ड टेम्परेचर रहता है, या फिर रात को जो है वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है थोड़ा ठंडा हो जाता है. नेक्स्ट क्या आता है हमारा विंड्स. विंड्स में क्या है, अगर विंटर्स हैं तो विंटर्स में क्या होंगी, कैसी वेव्स जो है हमारे आसपास फ्लो करेगी, ठंडी वेव्स फ्लो करेगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा थोड़ा कोल्ड हो जाएगा. अगर समर्स हैं तो समर रीजन्स में कैसी वेव्स मूव करती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, इसीलिए समर्स में जो टेम्परेचर हो जाता है हॉट हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो राइज करने लग जाता है. नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है. जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा
डिफोरेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, डिफोरेस्टेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर वो इंक्रीज़ करता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज़ करता रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, गर्मी बढ़ती जाएगी। यही रीज़न है कि आजकल गर्मियाँ ज़्यादा समय तक होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स, मतलब समर सीजन्स जो है वो ज़्यादा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न। और क्या है भाई, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन की वजह से जितने भी हार्मफुल गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उनका टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज़ होता रहता है। तो अगर वो गैसेज इंक्रीज़ होती रहेगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग करते रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो अर्थ का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज़ करता रहेगा, जिसकी वजह से फ्लड भी आ सकते हैं और हमारे हमें रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई होप यू आर क्लियर विद इट। थैंक यू।